हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने नेवर स्टॉप बड़ी चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी धमाकेदार न्यूज़ जिसे सुनकर आपको बेहद खुशी होगी कि आप अपनी गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं, वो भी बिना एग्ज़ाम दिए। ये जॉब इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट की है। इस 2020 साल के लिए धमाकेदार वैकेंसी निकली है और ऑल इंडिया वैकेंसी जो इसमें है वो है 7,428, जो कि काफ़ी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों। और पर्टिकुलर राजस्थान में देखा जाए तो ये है 3,262। हाँ, इस वैकेंसी के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है जिसने 10वीं पास की हुई है। यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ आपके अपने चैनल, इसमें मैं ऑफिशियल जानकारी के साथ साथ अपना अनुभव भी शेयर करूंगी, क्योंकि एज करंटली आई एम वर्किंग इन इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, जो टोटल, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ऑल इंडिया में 7,428 पोस्ट है एंड राजस्थान में 3,262 है, मध्य प्रदेश 2,834 पोस्ट है और उत्तराखंड हरियाणा में आप देख सकते हैं जैसा कि 724 और 608 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो इन वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। और अब अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना चाहेंगे तो दोस्तों, मैंने यहाँ नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप उसमें जाकर के इजीली देख सकते हैं, जहाँ पर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगराइज्ड किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल वालों के लिए भी यहाँ ईडब्ल्यूएस में वैकेंसीज हैं, जिससे आपके नौकरी पाने का एक जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं तो साथ ही साथ वह जो वैकेंसी है इसमें इंग्लिश और मैथ्स के लिए भी कंपलसरी है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। और जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए, और ये 60 डेज का एटलीस्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इसमें ग्रामीण डाक सेवक में 3 तरह की वैकेंसी है, बीपीएम, एबीपीएम एंड डाक सेवक। बीपीएम इज ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि अपने बीओ का हेड होता है और उसका जो मोस्ट ऑफ वर्क है, मैं आपको बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क जो उसको करना होता है उसमें मेल डिलीवरी की फंक्शनिंग और जो जितनी भी पोस्टल फैसिलिटीज है उसका मैनेजमेंट वर्क देखना होता है, जो रिकॉर्ड्स है उनका मेंटेनेंस करना है। एंड यहाँ पर एक नई चीज जुड़ी हुई है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिससे ये जो पोस्ट ऑफिस है उसकी सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन होने जा रही है। सो ये ऑल्सो एक खुशखबरी की बात है। एंड अदर जो एबीपीएम और डाक सेवक की अगर हम बात करें तो इनका काम होता है बीपीएम को असिस्ट करना। नेक्स्ट हम देख पाएंगे दोस्तों की पॉइंट्स ऑफ दिस जॉब। इस जॉब के जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जॉब एक पार्ट टाइम जॉब है, मीन्स ये 4 आवर्स या 5 आवर्स के लिए ही होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी स्टडी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप स्टडी भी कर सकते हैं, एंड अगर आपका किसी बिजनेस में रुचि है तो आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लेडीज़ हैं तो इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को भी बराबर टाइम दे सकते हैं। सो गर्ल्स के लिए ऑल्सो एम्पावरमेंट किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है गर्ल्स के लिए। जैसे कि अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो गर्ल्स के लिए 1 साल मिनिमम ड्यूरेशन है, उसके बाद ही गर्ल्स का ट्रांसफ़र हो सकता है, और बॉयज़ के लिए 2 साल इसकी अवधि रहेगी। हम यहाँ पे बात करें इंसेंटिव्स, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में हमें इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ आईपीपीबी इसमें जुड़ा है जो कि हम पहले देख चुके हैं, और डिपार्टमेंट एग्जाम्स इसके अंदर होते हैं जिसकी कट ऑफ बहुत कम जाती हैं और इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर ऑल इंडिया एग्जाम्स डिपार्टमेंटल एग्जाम्स का लेवल थोड़ा कम होता है। साथ ही यहाँ पे प्रमोशंस भी टाइम टू टाइम होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों की पॉइंट्स ऑफ दिस जॉब, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे
एक सुनहरा अवसर आपको डेपुटेशन के तौर पे मिल सकता है कि अगर आपकी मनचाही लोकेशन पे कोई बड़ी पोस्ट खाली है और वो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच कर जाती है, तो आप हायर पोस्ट पे भी अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं और अपनी लोकेशन भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेंज करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पोस्ट ऑफिस की काफ़ी सारी न्यूज़ इस तरीके से आई है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने घर घर जाकर लोगों को मेडिसिन सप्लाई की है या कुछ जरूरी जो चीज़ें हैं वो उनको उनके घर तक दे के आए हैं। इवन अगर लोगों को पैसे की ज़रूरत भी है तो आजकल जो डाकिया है उसको चलता फिरता पोस्टमैन नहीं, उसको ATM भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि आप कम समय में अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ बहुत ही कम काम करना होता है और यहाँ पे अमाउंट काफ़ी अच्छा मिलता है, और साथ ही साथ फिक्स सैलरी के अलावा आपको इसमें इंसेंटिव्स भी मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लेडीज़ और जेंट्स की बात करें तो कंपैरिजन वाइज लेडीज़ को काफ़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफ़र इनका जल्दी कर हो सकता है, और इसके अलावा कई परिस्थितियों में जैसे कि मैटरनिटी लीव्स इनको अवेलेबल होती है, और इनकी जो सारी फैसिलिटीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, कि इनका जो ऑफिस है वो किस जगह पे है, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, उनके लिए वॉशरूम की सुविधा अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर यहाँ नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति आकर हम पे दबाव नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट है हाउ दिस जॉब इज बेनिफिशियल फॉर यू, आप इस जॉब को ज्वाइन क्यों करें, ऐसी क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। सो प्लीज़ देखते रहिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको एक स्मार्टफोन या फिर काम के अकॉर्डिंग लैपटॉप भी मिल सकता है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक डिवाइस मिलेगा जिसमें आप ऑनलाइन चीज़ें फिट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने डिपार्टमेंट के हेड होंगे, किंग होंगे या क्वीन होंगे, क्यों, क्योंकि अपने BO का जो हेड होता है वो एक BPM होता है। नेक्स्ट, ये एक ऑफिस लेवल जॉब है दोस्तों, आपको फील्ड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ऑफिस में अपने ऑफिस में बैठ के वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इस बार जो अपॉइंटमेंट होने वाली है वो बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि इस बार जैसे कि हमारे श्रीमान PM सर ने इसमें पोस्ट ऑफिस में कई सारी चीज़ों को नया इम्प्लीमेंट करवाया है, और इसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत ही फास्ट करवाई है, और इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है पोस्ट ऑफिस फैसिलिटीज़ पर। नाउ हियर नो एग्ज़ाम, सबसे बड़ी चीज़, सबसे खास चीज़ इसके अंदर ये है दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कोई बिना एग्ज़ाम दिए इसमें एंट्री ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, और इसके थ्रू आप काफ़ी ऊंचे पद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों EWS जनरल कैटेगरी, इसमें आपको EWS कैटेगरी भी अवेलेबल होगी, जो कि जनरल वालों के लिए एक बेहद खुशी की बात है। यहाँ पे आपको सैलरी की बात करें दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इस जॉब में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर हम 4 आर्ट्स की बात करते हैं तो वो Level 1 में आता है, और अगर 5 आर्ट्स की ड्यूटी होगी तो वो Level 2 में आता है। सो Level 1 में अप्रोक्सीमेट जो सैलरी आपके हाथों में आती है दोस्तों, वो आती है करीबन 15,000 रुपये, जो कि ओनली 3 से 4 घंटे काम करने पर आपको मिल जाती है, और Level 2 के लिए 18,000 रुपीज़। नाउ यहाँ पे एडिशनल कुछ चीज़ें और मिलती है दोस्तों, जो कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है। अगर आपके ऑफिस में जैसे कि सपोज 2 जनों की जॉब है, तो वहाँ पर आपको 1 पर्सन की एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको मिलेगा उसकी जगह पे काम करने के लिए। सो इसे बोला जाता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ईयरली बोनस, यहाँ पे आपको साल भर में एक बार एक्स्ट्रा कुछ बोनस भी मिलता है। एंड थर्ड चीज़ इंसेंटिव, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ चीज़ों में आपको इंसेंटिव बेसिस पे वर्क होता है, आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही ज़्यादा पेमेंट भी एक्स्ट्रा मिलेगा फिक्स सैलरी के अलावा। नाउ सम अदर अलाउंसेस भी इसमें मिलते हैं, सपोज आप कहीं ऑफिशियल ट्रेनिंग पे हैं तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ों की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट्स के ऊपर ही है, वहाँ पे आपको कई चीज़ें अलाउंस के तौर पर दी जाएगी। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स, अगर हम यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को फिलअप करना, तो प्लीज़ ये चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है ऑलरेडी ओपन हो चुकी है राजस्थान के लिए, 22 जून 2020 से फॉर्म ऑलरेडी ओपन है, और इसकी लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020।
सो दोस्तों देर ना कीजिए और जल्दी से फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के लिए स्टार्टिंग डेट 8 जून 2020 एंड लास्ट डेट इज 7 जुलाई 2020। डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें 10th का सर्टिफिकेट देना होगा, साथ ही अगर आप किसी पर्सनल एससी एसटी किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना होगा, साथ ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होगा। दोस्तों इसके अलावा कोई भी चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना RSCIIT का जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में भी दे सकते हैं। नाउ जॉब लोकेशन, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। सो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट मैं ये जो एससी एसटी फीमेल के जो कैंडिडेट्स हैं और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं एससी एसटी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका कुछ 10-15 मिनट का वक्त ही जाएगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि जो जो भी 10वीं पास कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ अपना फॉर्म फिलअप करें। और यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट लिंक्स है, अगर आपको फॉर्म भरने में एप्लीकेशन फी जमा करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इन लिंक को फॉलो कर सकते हैं। नाउ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहती है वो 10th में 80%, ओबीसी के लिए 70% और एससी एसटी के लिए लगभग 60% रहता है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये कुछ फिक्स कट ऑफ नहीं है, इसमें कभी कभी बाई लक बहुत कम भी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी परसेंटेज इससे कम है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि जैसे कि दो दो लोग जॉब छोड़ के जा चुके हैं, तीन लोग जॉब छोड़ के ऑलरेडी जा चुके हैं अपॉइंटमेंट होने के बाद, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर ऑलरेडी आ सकता है। दोस्तों मैं आपको इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको लोकेशन का ध्यान रखना है, जो आपकी नियर बाई लोकेशन है प्लीज़ कृपया करके वो ही भरें जिससे कि आपको सुविधा रहे। और मैं जैसा कि बताना चाहती हूँ कि गर्ल्स का जो ट्रांसफ़र है वो मिनिमम 1 ईयर के बाद ही हो सकता है और बॉयज़ का ट्रांसफ़र 2 ईयर्स के बाद हो सकता है, इसीलिए जो आपकी लोकेशन है वो आप प्रायोरिटी में रखें कि किस लोकेशन पर आपको वर्क करना है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको इसके अंदर 20 डेज़ की पेड लीव्स मिलती है एक साल में, मतलब आप 20 दिन के लिए अगर आप लीव्स लेते हैं तो उसका पैसा आपको गवर्नमेंट देगी, लेकिन अगर आपको कोई भी ज़रूरी काम है, आपको ज़रूरी काम पे जाना है तो आप 6 महीने तक दोस्तों अनपेड लीव्स पर भी रह सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन होने के बाद आपको एक सिक्योरिटी मनी भी जमा करवानी होगी जो कि एज अ सेविंग रहेगी। दोस्तों आप एज अ सेविंग वहाँ पे जमा करा सकते हैं, आप इसको इस तरीके से ना देखें कि गवर्नमेंट आपसे ये पैसे ले रही है। मैं आपको इसका एक पॉजिटिव साइड बताती हूँ कि आपके एज अ सेविंग जो है मनी डिपॉजिट रहेगी पोस्टल डिपार्टमेंट में, जिसे कुछ फिक्स्ड पीरियड के बाद में आपको वापस रिटर्न कर दी जाएगी। चाहे आप 1 या 2 महीने बाद भी अगर आप इस जॉब को क्विट करना चाहें तो भी आपको ये सैलरी वापस, सैलरी के साथ ही ये सारी चीज़ें वापस, आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी वापस मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और दी गई आईडी पर मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे होम।